शाने हाल जाने इस तकबार शाए गुहाए पाकिस्तान के साथ अगर आप प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अपनी माँ के साथ प्यार कर रहे हैं। पाकिस्तान से अगर प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अकीदे से भी प्यार करते हैं। पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो इसका मतलब कि अपने बुजुर्गों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने बुजुर्गों की यादें ताज़ा। जैसे आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम सेलिब्रेट नहीं करते तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरे बच्चे अब चाइना में बैठे, वो भी सेलिब्रेट, क्योंकि उन्होंने देखा हमारा बाप बचपन से सेलिब्रेट करता है। मेरा बेटी अकेली पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में उसने पूरा सजाया हुआ सेलिब्रेट, क्योंकि ये हम कल्चर क्या देते हैं अपने बच्चों को। आप चाहें तो जी हमने सेलिब्रेट नहीं करना पाकिस्तान, हमारे बच्चों ने चाइना में अलग से केक बनवाया स्पेशल पाकिस्तान का। मतलब ये आपकी होती है मोहब्बत किसी भी चीज की, आप जिससे, वो कहते हैं जहाँ तुम्हारा दिल है, जहाँ तुम्हारा माल है, वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। लिखा है, इसका मतलब है कि हमारा अगर दिल लग रहा है पाकिस्तान में, हमारा माल पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का माल है। पाकिस्तान हमें इज्जत बख्शी है। देखो किसी भी आप घर में जैसे रहते हैं, हमारा ये घर है, इसमें तकलीफें भी आती हैं, परेशानियां भी हैं, थोड़े मसाइल भी आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी खानदान टूटता है। हम जुड़ के रहते हैं ना, एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जोड़ के रखते हैं। घर में तंगी भी आती है पैसा में, लेकिन ये नहीं कि आप बगावत शुरू कर दो। पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना हमारा फर्ज है, चाहे कोई भी आ जाए। हम, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैं नवाज शरीफ का भी सपोर्टर हूँ, मैं अल्ताफ हुसैन का भी सपोर्टर हूँ, मैं सबके सपोर्टर, जो पाकिस्तान से लिंक करे मैं सबका सपोर्टर हूँ। लेकिन हमारी प्रायोरिटी एज ए नेशन पाकिस्तान की होनी चाहिए। तंगी आती है। अब ये नहीं है कि अगर आप जैसे नवेद साहब हैं, ये किसी एक और लीडर को प्यार करते हैं, ये रोहेल साहब ये किसी और लीडर के फॉलोअर हैं, ये रहील ये किसी और, आपकी अपनी प्रायोरिटीज है। लेकिन आपके साथ अगर ज्यादती नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप मुल्क के साथ जाती नहीं करें। आप मुल्क से प्यार वैसे करें, सेलिब्रेट वैसे करें। आप दुआ कर लेना, आप दुआ में याद रखें कि भाई अल्लाह पाक जो मसाइल हल करें और हमें अच्छे जो है ना लीडर्स जो आपकी पसंदीदा वो आए। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान प्रायोरिटी पे हो, ये दुनिया तो आती जाती है, लोगों ने तो आते रहना है, लोगों ने तो जाते रहना है। वो लोग जिनका कंसेप्ट है कि जी पाकिस्तान अब टूट जाएगा, पाकिस्तान कैसा, कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान ऐसे स्टेबल ही रहना है, और हमारे बाद भी पाकिस्तान, हमारी जनरेशन भी पाकिस्तान को मनाएगी। और एज मैं पाकिस्तानी, एज ए माइनॉरिटी क्रिश्चियन होने के कारण, मैं, हम पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि इतना शायद मेरा कोई मुसलमान भाई भी नहीं करता होगा। हम इतना पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और पाकिस्तान को प्यार करना हम पे लागू है, फर्ज है, और वी लव टू पाकिस्तान। सो ईच पार्ट ऑफ पाकिस्तान वी लविंग, हूएवर बी द हेड, whoever be the in charge, whoever be the political leaders, हम सब हमारी पहचान है। आप कहीं भी जाएंगे तो हमें पाकिस्तानी कहा जाएगा, चाहे हम नेशनलिटी भी ले लें। अब लोग कहते हैं हमने नेशनलिटी, ड्यूअल नेशनलिटी, लेकिन हमारी जड़ों में पाकिस्तान बसा हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान अपनी सर जमीन सब कुछ है, इतना तो है हमको यकीन,
पाकिस्तान 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 पाकिस्तान।